लीटर पानी में 5-6 ml मिलाना है और अपने कबूतरों को पिलाना है, हफ्ते में 2 बार सिर्फ। भाइयों, कभी आपके कबूतर रोज़ के, डेली के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 कबूतर कभी जाया हो रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे, बीमारी में आके मर रहे, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, कभी आपकी कबूतरी कई महीनों से अंडों से बंद है, अब परेशान हो रहे, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात कि आपके कबूतर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। बोलो कैसे, खुदा ना खास्ता कि आपके कबूतर में कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जा रहा है कि डेली के कबूतर जाया हो रहे हैं, तो फिर आप वीडियो ढूंढते रह जाओगे, कमेंट करते रह जाओगे, और कमेंट दो कमेंट आप करते रह जाओगे, जैसे कि भैया हमारे कबूतर मर रहे हैं, हमारे कबूतर ये हो रहे हैं, वो हो रहा है, इलाज बताओ, हमारी कबूतर कई महीनों से अंडे से बंद है, इसके इलाज बताओ, तो आप बोलते रहा गाइस। आप मान चलो हज़ारों वीडियो लोग ही देख लोगे, सभी को आप कमेंट करोगे, सभी से आप कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप हो जाओगे परेशान। तो इसलिए आपसे मेहरबानी विनती है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ, आप भाई मेरी वीडियो देखा करो। मैं भाई बहुत ही बारीकी से वीडियो बनाता हूँ, ख़ास तौर पे आपको समझा। कबूतर वायरस बीमारी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपके वो कबूतर में लीवर ख़राब हो चुका है, कबूतर की किडनी ख़राब हो चुकी है, समझ रहे हो आप? नहीं समझे अभी भी, फिर मैं आपको बताता हूँ। कबूतर का जब लीवर ख़राब हो जाता है, कबूतर अपनी समझ लो सब तरीके से बीमारी उसमें देखने में आती है। अब वो चाहे कोई सी भी बीमारी क्यों नहीं हो भाई, कबूतर टेढ़ी में आके मरेगा, कबूतर सूखे में आके मरेगा, और टेढ़ी हर तरीके की बीमारी होती है। एक होती है टेढ़ी की बीमारी जो कबूतर अपनी आगे मुंडी कर लेता है, और एक बीमारी होती है जो कबूतर पीछे मुंडी कर लेता है, और एक होती है स्प्रिंग टाइप की, सूखा कबूतर लग जाता है, 3 दिन में कबूतर ख़त्म हो जाता है। लीवर ख़राब तो आपका पूरा जाल में कबूतर ख़राब, कबूतर की किडनी ख़राब, कबूतर में तो फिर तो यार कुछ कर ही नहीं सकते भाई। ये भाई ये ना कोई नहीं बताता आपको, एक बड़े से बड़े खिलाड़ी के पास चले जाओ, कबूतर वाले के भाई के पास चले जाओ, उसको बताओ कि मेरे कबूतर में ये प्रॉब्लम है, आपको नहीं बताएगा, वो मना कर देगा कि बेटा तू ऐसे ऐसे कर ले और तू बस हो जाए, वो बताएगा नहीं आपको। वो क्यों नहीं बताएगा मालूम आपको? अच्छा जान दो कबूतर ख़त्म होने से, कॉम्पिटिशन है, समझ रहे हो आप, इसलिए वो कुछ नहीं बताएगा। वही मेरा काम बहुत अलग है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँ, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ भाई, ठीक है ना, इसलिए मैं डायरेक्ट पॉइंट पे अब आ जाता हूँ। आप समझ चुके हैं, लीवर ख़राब होने से, किडनी ख़राब होने से कबूतर में मरना स्टार्ट भी हो जाता है, फिर वो कबूतर आपके डेली के कबूतर मरेंगे, हमें रोज़ कबूतर मरेंगे। भाई आज की इस वीडियो में जो टॉनिक बताऊँगा, इंशाल्लाह भी आपको रिजल्ट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, आपके जाल में वायरस बीमारी ख़त्म हो जाएंगी। वो टॉनिक ऐसी है कि लीवर को सही रखेंगी, कबूतर की किडनी को सही रखेंगी, कबूतर आपके वायरस बीमारी में नहीं आएंगे, जो कबूतर आ गए वो कबूतर आपके बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अब भाई देखो दूसरी बात पे आप आ जाते हैं, एक समय में हमारी जो कबूतरी है वो हो गई थी सूखे में आ गई थी, या फिर वो कबूतरी लकवे में आ गई थी, या उस कबूतर को शीत हो गई थी, या उस कबूतर को सर्दी जुकाम बीमारी में आके एक समय में आई थी हमारी वो कबूतरी, और हम चाह रहे कि हमारी वो कबूतरी अंडे दे दे, वो अंडे नहीं दे रही है। तो भाई अंडे वो इसलिए ही नहीं दे रही है क्योंकि यार जब कबूतरी बीमारी में आ जाती है, चाहे बीमारी कोई सी भी क्यों नहीं हो, जब कबूतरी बीमारी में आ जाती है ना, तो कई सालों के लिए, समझ रहे, कई दिन के लिए नहीं, कई सालों के लिए वो अंडों से बंद हो जाती है। ये तरीका कोई नहीं बताएगा भाई आपको, ये ना ही कोई समझाएगा, ये बल बिल्कुल बंद ही हो जाएंगे वो। आप फिर कितना भी नुस्खा दे दो, जो मैंने YouTube पर डाल के रखा हूँ कि भाई ये दो इससे कबूतरी अंडे देंगे, नहीं देंगे कबूतरी, भूल जाओ फिर आप, ख़त्म, उसकी मर्ज़ी, वो चाहे 1 साल में दे, चाहे 2 साल में दे, चाहे
तीन साल में दे, उसकी मर्जी रहेगी। फिर आप कुछ नहीं कर सकते, मैं अब नहीं भाई मैं कुछ कर सकता। तो सबसे मेन चीज़ है कि आपको अपने कबूतर का लीवर आपको अच्छा रखना है, उनकी किडनी आपको अच्छा रखना है। ये भाई दो चीज़ कबूतर के शरीर में अच्छी रहेंगी ना, तो आपके कबूतर कभी वायरस बीमारी में नहीं आएंगे और आपके कबूतर कभी अंडे बच्चे से बंद नहीं होंगे। टॉनिक बता रहा हूँ, टॉनिक देखो, ये टॉनिक है सोल, इससे दो फायदे होने वाले। कबूतर का भाई लीवर अच्छा रहेगा, कबूतर की किडनी अच्छी रहेंगी। कबूतर का कभी मान लो लीवर ख़राब है, किडनी ख़राब है, तो आपके कबूतर में ये जो बीमारी है, कबूतर जो जाया हो रहे वो भाई होते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि उस उन कबूतर का भाई दोनों चीज़ ख़राब है, तो आपको सही रखना है हमेशा। तो ये टॉनिक इस्तेमाल करो, आपके कबूतर में ये प्रॉब्लम देखने में आ रही है तो ये टॉनिक इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डॉक्सल टॉनिक है ये, और करीब ये आधा लीटर की 490 रुपये की बॉटल आएंगी। आप चाहो तो ऑनलाइन बुला सकते हो, या फिर परिंदों की जो जानवर की मेडिकल होती है वो आपको ये मिल जाएगी टॉनिक। और यही देखने में आता है कि हमारी वो कबूतरी फिर कई समय के लिए अंडों से बंद हो जाती है, भले से वो कबूतरी सही तो हो जाती है, बाकी यार वो अंदर से तो पूरी ख़त्म हो गई ना यार, उसका लीवर ही ख़राब हो गया बेचारी का, किडनी ख़राब हो गई, तो बेचारा कबूतरी वो आपको अंडे क्या देंगी। वो आप जवान भर के उसको नुस्खा लगा रहे हो, जवान भर की चीज़ लगा रहे हो, मेरी यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियो आप देख रहे हो, फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों नहीं फ़ायदा हो रहा भाई, ये कोई नहीं बताएगा ये चीज़ भाई, से समझने वाली बात है यार। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी हर एक वीडियो आप बारीकी से देखा करो, भले से आपकी वीडियो काम की है या नहीं है, वीडियो देखना लाजमी ज़रूरी है आपको। क्योंकि तो जितना आप ज्ञान बढ़ाओगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि वक्त आने पे कभी वो परेशानी आपके पास आ गई तो आप क्या करोगे भाई, परेशान हो जाओगे आप, कमेंट करते रह जाओगे, वीडियो देखते रह जाओगे, कबूतर चले जाएंगे, जब तक कि कबूतर रवाना हो जाएंगे, फिर आप क्या बोलेंगे, यार भाई सामने वाले ने जवाब नहीं दिया, समझ रहे हो आप, सामने वाले ने जवाब नहीं दिया मैसेज का, व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया, यूट्यूब पे वीडियो ढूंढते ढूंढते भाई, अरे कहीं ना कहीं आप फिर दूसरों पर तोमत डाल दोगे कि भाई तेरे वजह से कबूतर जाया हो गया, तूने जवाब नहीं दिया, तो ये गलत बात है। तो आप समझदारी पकड़े, कबूतर पालने से पहले काफ़ी चीज़ सीखो, उसके बाद कबूतर पालो। जो नए भाई नए छोटे मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, बाकी जो पुराने खिलाड़ी वो तो अपने कबूतर को संभाल ही लेंगे। तो गाइस ये जो मैं डॉक्सल टॉनिक बता रहा हूँ, तो ये आप मार्केट स्टोर से लेके आ जाओ, और इंशाल्लाह जब भी आपको लगता है कि हमारे कबूतर में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस्तेमाल करो, कुछ ही दिनों में कबूतर सही हो जाएंगे, आपके रिकवर हो जाएंगे, और आपके कबूतर में ऐसी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये टॉनिक को हफ्ते में दो बार देना है कबूतरों को, 2 लीटर पानी में 5 ml डाल के, हफ्ते में दो बार, इंशाल्लाह कबूतर आपके बहुत ही जल्दी सही हो जाएंगे।